ये है अंजुमन रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग जाएंगे। हाँ तो खाने में यहाँ पे स्पेशल आपने ट्राई किया पब्लिक हमारे साथ बैठे हुए हैं। हाय वेंकी भाई, जाकिर भाई है। वेंकी भाई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग पहुंच गए हैं अंजपर रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन स्पेशली मद्रासी रेस्टोरेंट है। तो आज यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं और आपको भी ले चलते हैं खाना टेस्ट कराने के लिए। देखते हैं कि कैसा टेस्ट है खाने का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धूप काफ़ी ज़्यादा है तो मैं थोड़ा चश्मा लगा लेता हूँ। और हमारे साथ दोस्त हैं, पुलिक हैं, तो उन्हीं के साथ आए हैं खाने के लिए। तो ये रहा हमारे पीछे ये रेस्टोरेंट है। मैं लोकेशन डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप जाके चेक करें। आज देखें काफ़ी नाम सुना है इस अंजपर का, तो आज बेस्ट ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चलते हैं अंदर, ले चलते हैं आपको रेस्टोरेंट में। दोस्तों ये है अंजुमन रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग जाएंगे। तो लोकेशन तो आपको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसके लिए टेंशन नहीं रही है। तो मिलते हैं अंदर, चलिए देखते हैं क्या है खाने में आज। आज हम ट्राई करेंगे स्पेशली साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चेन्नई की डिश, खोबर में रेस्टोरेंट है ये। सो दोस्तों रेस्टोरेंट के अंदर आ गए, आपका माहौल दिखाते हैं कैसा है। एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा है रेस्टोरेंट का। और फ्रंट काउंटर पे आप देखें सूट्स वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। तो चलिए एक टूर देते हैं आपको इस रेस्टोरेंट का, अंदर ले चलेंगे। फ्रंट काउंटर एक बार ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है सिंगल सेक्शन है बना हुआ है। हमारे कुलीग हमारे साथ बैठे हुए हैं। हाय वेंकी भाई, जाकिर भाई है ये। सो एम्बियंस काफ़ी अच्छा है रेस्टोरेंट का। यहाँ पे सर्विंग काउंटर है सामने हमारे, और ऊपर शायद फैमिली सेक्शन है, सही। सो ऊपर में का यहाँ से जाने का रास्ता ये फैमिली सेक्शन से, एंट्री अलग है यहाँ पे। सो अच्छा एम्बियंस है, म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो देखते हैं खाने में क्या है। मेन्यू यहाँ पर हम यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, ये रहा स्कैन QR कोड के थ्रू है। तो अच्छा है ओवरऑल एम्बियंस, और धूप अगरबत्ती जला रखी है। तो दोस्तों चलते हैं आपको ऊपर ले चलते हैं फैमिली सेक्शन में, और दिखाते हैं कि वहाँ का इंतज़ाम क्या है, बैठने का अरेंजमेंट क्या है। तो ये रास्ता यहाँ से ऊपर जाने के लिए, तो चलिए हमारे साथ देखते हैं। सो दोस्तों फैमिली सेक्शन का भी एम्बियंस काफ़ी अच्छा बना हुआ है, छोटा है लेकिन सही है। चलिए आपको इसका भी टूर देते हैं। पीछे आप देखें बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बना रखी हुई है यहाँ पे, और इस साइड भी पेंटिंग है। तो धूप अगरबत्ती भी जला रखी है यहाँ पे, तो खुशबू भी है, धुआं धुआं सा माहौल बना हुआ है। जाकिर भाई भूख लगी नहीं लगी आपको? कितने लगी है? क्या ट्राई करेंगे आज? हमारा अन्ना भी बताएगा ना क्या है स्पेशल। हाँ तो खाने में यहाँ पे स्पेशल आपने ट्राई किया ना, वो बताओ ना। नॉट इंग्लिश, हिंदी बोलो, हिंदी या तमिल बोलो। तमिल में बोल के हिंदी में बोल ले, कदो इशू। ओके यू कैन। आज थाली ट्राई करेंगे। थाली ट्राई करेंगे, दैट्स गुड। ओके सो नॉट साउथ इंडियन, स्पेशली फ्रॉम द तमिलनाडु। साउथ इंडियन वी कॉल केरला, मद्रास, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, बट स्पेशली वी केम हियर फॉर टू ईट द तमिलनाडु फूड। स्पेशली वी कैन ट्राई डू द मटन चुक्का। ओके लेट्स सी। सो दोस्तों मेन्यू चेक किया, काफ़ी रिजनेबल मेन्यू है और वैराइटीज़ है, स्पेशली तमिलनाडु के हर रीजन से यहाँ पे डिश को जो है इंक्लूड किया गया है। और स्पेशली मुझे टेस्ट करना है, और जो फेवर मुझे है मदुरई रीजन का, जो कि अपने खाने और मंदिर के लिए काफ़ी फेमस है तमिलनाडु में। वहाँ का खाना भी नॉन वेज बहुत ही अच्छा होता है। लोग समझते हैं कि साउथ इंडियन का नॉन वेज बिल्कुल अच्छा नहीं होता नॉर्थ वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आएंगे तो आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि क्या लाजवाब टेस्ट होता है, स्पेशली मदुरई रीजन का। और अभी ट्राई करेंगे मटन सुक्का, चिकन सुक्का, उसके साथ डोसा खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो आज भी हमारा ऑर्डर जा चुका है। वेंकी भाई देखो मुस्कुरा रहे खाने के लिए। ऑर्डर दिया इन्होंने स्पेशल थाली,
तो हम लोग जब आता है खाना तो सर होता तो खाते हैं। रेट बिल्कुल रिजनेबल है, आपको ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है, तो आपको वो भी मेन्यू में कोशिश करूँगा कि डाल दूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ओके गाइज, सो दोस्तों थाली हमारी आ गई है, इसे मटन इनकी ज़्यादा अच्छा बताया, क्या बताओ ज़रा, इसे बताओ क्या, ये चिकन मटन हो गया, मटन हो गया, पुरियल, हाँ, खार कुलंब, कूट, सांबार, रसम, स्वीट, தயிர் கர்டு, இது இது காரக்குழம்பு, இது வந்து எனக்கு தெரியல நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே ஹாய் தோஸ்தோ, हम लोगों ने फिनिश कर लिया लंच, अच्छा था खाना, टेस्टी था और काफ़ी चीप था। तीन लोगों ने खाना खाया और 80 रियाल हुए सिर्फ, तो ओवरऑल ठीक था खाना, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था और ओवरऑल एवरेज ठीक ठीक था खाना। और स्पेशली मटन कड़ी जो थी वो उसकी अच्छी बनी हुई थी, वो थी अच्छी, बिल्कुल टेंडर था मटन काफ़ी। और एक चीज़ को भी है कि आप इसमें अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं, तो अनलिमिटेड आप मंगा सकते हैं, तो एक भी अच्छी चीज़ है। तो अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई, धूप काफ़ी कड़ी है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से एक्सप्लोर करते रहिए सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न रीजन को मेरे साथ। और इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मिलते हैं फिर, ओके। तो अदर हमारा वेंकी भाई है, ओके वेंकी भाई, बाय, थैंक्स फॉर लंच, ओके फिर मिलते हैं, ओके टेक केयर।